रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, बचपन से उन्हें हम लोगों ने ओ, देखा है। नाटकी परम कौतुकी। और सबसे अद्भुत उनका वही वाला था जो माता सीता का और संवाद चल रहा था, जब वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे तो माता कहती है कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। वो संवाद मैं आपसे सुनना चाहूंगी। ये मैंने कई जगह सुनाया है और सुंदरकांड के पाठ जब हम करते तो भी मैं कहता हूँ, रावण आया सीता जी को डरा कर गया, माँ बैठी है पेड़ के नीचे, हनुमान जी बैठे पेड़ के ऊपर। अब हनुमान जी ने सोचा करूं क्या, तो ऐसे करके अग्नि का अंगारा मांग रही है। पहले तो चंद्रहास तलवार से ही कहती है, चंद्रहास हरुमम परितापम, रावण की चंद्रहास तलवार से ही। फिर अशोक के वृक्ष के बोल से बोली, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया, तू मेरा शोक नहीं हर सकता, नाम अशोक है तेरा। फिर त्रिजटा से अग्नि मांगी कि हे त्रिजटा तू अग्नि की व्यवस्था कर, चिता जला करके मैं मर जाऊंगी चिता पर बैठकर। त्रिजटा तो विभीषण की बेटी थी, परम भक्त थी भगवान की, तो उसने माँ को कहा, माँ अभी रात में अग्नि नहीं मिलेगी, अभी मैं घर जा रही हूँ, कल सुबह आकर के व्यवस्था कर दूंगी। तो मन ही मन हनुमान जी सोच रहे, माँ अभी तो मैं अग्नि ढूंढने से नहीं मिल रही है, कल लंका में आगी आग मिलेगी, माँ जितनी चाहिए उतनी ले लेना। ओ हनुमान जी महाराज ऐसे करके मैया अग्नि मांग रही है। हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे सोचने लगे, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। तुलसीदास जी ने जब नाम वंदना की बालकांड में तो राम नाम को अग्नि कहा। अच्छा। हेतु कृसानु अर्थात अग्नि, भानु हिम कर को यानी कि राम नाम अग्नि है। हनुमान जी ने सोचा, अच्छा माँ को अग्नि तो मिल नहीं रही, अग्नि तो चाहिए ना, यानी कि दुख ही तो मिटाना है ना। चलो शरीर को तो मैं मिटाने के लिए अग्नि नहीं दूंगा, लेकिन अंदर का विरह की अग्नि, अंदर भी तो अग्नि जल रही थी जिसको हम विराग्नि बोलते हैं। सीता जी को अंदर अग्नि लगी थी, जैसे कोई दुख में तड़पता है उसको बोलते क्या भाई जल रहा है अंदर से, सीता जी को क्या था विराग्नि। तो हनुमान जी ने सोचा शरीर का जलाने के लिए तो माँ को जरूरत नहीं है, लेकिन राम नाम एक ऐसी अग्नि है जो मैं माँ को दूंगा तो विरह की अग्नि मिट जाएगी। जैसे ही राम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। कौन है भाई, किसने मुद्री डाली, कौन है कौन है। पेड़ पे बैठे बैठे हनुमान जी सोच रहे अब क्या करूं, अगर एकदम चला जाऊंगा तो भी गड़बड़ है। तो हनुमान जी ने सोचा थोड़ा सा और सेटिस्फाई करो। 10 महीने में पहली बार कुछ पॉजिटिव वेव आई है माँ के पास। 10 महीने हो गए रावण की लंका में, अशोक के वृक्ष के नीचे 10 महीने हो गए, आज पहली बार कोई पॉजिटिविटी नजर आई है, ये कुछ तो हुआ है। पहले तो देखा मुद्रिका नकली हो सकती है, लेकिन मुद्रिका पर जो लिखा था वो कभी झूठा नहीं हो सकता, राम नाम अंकित अति सुंदर। कौन है भाई, किसने मुद्रिका डाली। हनुमान जी तो ऊपर बैठे बैठे कथा ही सुनाने लगे, आदि होते सब कथा सुनाई, कथा भी वहां से शुरू करी बिल्कुल। अब आप किसी को परिचय देना हो, किससे मिलना हो, अरे भाई तुम फलाने गांव के हो ना, अच्छा तुम्हारे गांव में वो रहते हैं ना, वो सारी उनकी बातें पुरानी कहोगे तो वो बड़ा विश्वास आ जाता है। लंका में, परदेश में, रावण की लंका में, दूसरे देश में कोई आकर के माँ को उसके घर की बात कहे। राम की कथा सुनानी शुरू करी, ठुमा के चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र राम, ये कथा सुनाई। फिर उसके बाद सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, वही कथा सुना दी सीता जी के विवाह की और राम जी के विवाह की। ये तो मेरी कथा है, कौन सुना रहा है भाई, कौन सुना रहा है भाई, इतनी सुंदर कथा सो कौन सुना रहा है। पेड़ पे बैठे बैठे हनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं, माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला पूरा बंदर है। ओ भाई कोई बात नहीं, बंदर भी क्यों ना हो, जो मेरे प्रभु की कथा इतनी सुंदर कहता है, मेरी नजरों में वो सुंदर है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी जैसे ही कूदे, माँ ने चेहरा ही फेर लिया। जैसे ही चेहरा फेरा, माँ ने, हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया इनविटेशन कार्ड है, पहले इनविटेशन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन है भाई। जैसे ही आया तो गेट बंद, आप मुझे कहे गुरु जी आप आइएगा जरा, और हम आए और आप दरवाजे पे, कौन बताइए क्या काम है, बोलो। हम कहें कुछ काम नहीं, जा रहे हैं। हाँ तो लेकिन हनुमान जी समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो गई मुझसे ही,
सीता जी डरती थी सबसे ज्यादा बंदरों से। जैसे कुछ माताएं बने डरती छिपकली से, एक बार रसोई में छिपकली आ जाए भोजन बनने वाला नहीं है। सीता जी डरती थी बंदर से, ये मैं नहीं कह रहा, अयोध्या कांड में चौपाई है। सीए बन बसई तात के भांति चित्र लिखित कवि देख डराती। बंदर का चित्र दीवार पर भी देख ले तो डर जाती थी सीता जी। तो जैसे इतना बड़ा बंदर देखा, ओ डर गई माँ जानकी एकदम। तब कसम खाई हनुमान जी ने, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान कहती थी सीता जी राम जी को। जैसे आजकल की पत्नियां तो डायरेक्ट नाम लेती है, सौरभ, राहुल, हाँ अनमोल, इधर आओ, लेती है ना नाम। लेकिन पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। तो जब राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, सीता जी ने अपने मन में सोच लिया था जिससे मेरा विवाह होगा उसको कहूंगी मैं करुणा निधान। ये प्रसंग थोड़ा समय बढ़ा देता हूँ, बड़ा अच्छा ये प्रसंग है और भारत की बेटियों के लिए मैसेज है इसमें। हर बेटी को जब वो बड़ी हो उसको माँ गौरी की स्तुति करनी चाहिए। अच्छा। बाल कांड में जो सीता जी ने पार्वती माता के लिए की है, दो चार चौपाइयां उसकी मैं गा देता हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये स्तुति माँ पार्वती की है, हर बेटी को स्तुति करनी चाहिए। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुवस विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जाने उनी के, बसौ सदा उरपुर सब ही के, सेवत तोई सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। जो बेटियां इन चौपाइयों का जाप करती है उनको क्या मिलता है? सीता जी जब आरती का थाल लेकर के माँ गिरजा के भवन गई, जनक जी के पुष्प वाटिका में ही गौरी मंदिर था सरोवर के किनारे, तो जैसे ही सीता जी ने आरती का थाल भमाया और स्तुति की, जय जय गिरिवर राज, और स्तुति पूरी हुई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। अच्छा। पत्थर की मूर्ति, लोग यहां भी तर्क करते हैं तुलसीदास जी ने ये क्यों लिख दिया मूर्ति मुस्कुराई, तो संत कहते हैं भाई सीता जगत जननी आरती उतारे और भवानी जगदम्मा मुस्कुरा जाए तो इसमें संशय क्या है? माँ की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्काने लगी और माँ बोली, मन जाही राचेउ मिलही सोवर, सहज सुंदर सावरो। हे सीता तूने जो पति सोचा तुझे वो मिलेगा, मन जाही राचेउ मिलही सोवर। जो बेटियां इन चौपाइयों का जाप करती है उनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, होती है, ऐसा घर वर मिलता है उनको। मन जा हीरा चेउ मिले ही सोवर, तेरा पति कैसा होगा? सहज। पति को सहज होना चाहिए, इन्हीं घर में घुसते हड़ भड़ भड़ मचा दे पति को, सहज सहज सुंदर। तेरा पति कैसा होगा? सुंदर। सीता जी ने कहा, सुंदर तो हो लेकिन मुझसे गोरा ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रियां सब देख सकती है अपने से गोरा पति नहीं। अगर अपने से गोरा पति हो तो फिर उनका जो पार्लर वाला का खर्चा वो बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको थोड़ा सांवरे ही चाहिए अपने से। और भाई लोग पुरुष लोग थोड़े सांवरे ही, सहज सुंदर सांवरो, राम सांवरे है, श्री कृष्ण सांवरे है, सुंदर सांवरो। माँ बोली, करुणा निधान, तेरा पति कौन होगा? करुणा निधान। सीता जी ने आंखें बंद कर ली, जिससे मेरा विवाह होगा उसे मैं कहूंगी करुणा निधान, और हनुमान जी ने यही कसम खा दी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब बिल्कुल अंदर की बात कोई व्यक्ति बोल रहा है तो यानी कि वो राम का भेजा हुआ ही परम भक्त है, दूत है, सीता जी को भरोसा हो गया। हनुमान जी ने, ऐसा गुरु मिलने वाला नहीं है
दूसरे की लंका में जाकर के जो जानकी जिसको देखा नहीं, आप ये देखिए जिसको देखा नहीं बिल्कुल, जिससे मिले नहीं, उसको सिर्फ गए हैं मुदरी लेकर के और जाकर के ऐसा सेटिस्फाई कर दिया माँ को कि माँ को लगा आप रावण तो कुछ नहीं कर सकता। रोने लगी माँ जानकी प्रेम के विरह में, उनको मिल गई ऐसा विश्वास, पति जो है वो आ गए। आजकल तो कितने सिस्टम है आप देखो, मोबाइल ये वो इंटरनेट, कोई दूसरे देश में फंस जाता है तो गवर्नमेंट संपर्क कर लेती है, उस समय का जीवन तो देखिए आप। लेकिन दूसरे की गढ़ में जाकर भी जो अपना डंका बजा करके आ जाए उनका नाम है हनुमान।